अब ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें रफ फिगर बनानी है और प्रूफ करना है, दिखाना है कि पी ए बी पे लाई करता है, एक्स वाई और पी क्यू ये एम पे इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन आई कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी. तो ऐसी लाइन जिसमें ई और एफ तो आता है पर डी नहीं आता है, और ओ पी और ओ क्यू ए ओ पे मीट करते हैं. ओके, सो ऐसा हमने रफ फिगर बना दी है. सो लेट्स सी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो ये ए बी लाइन है और इस पे पॉइंट पी लाई करता है. ओके, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो ये एक्स वाई हो गई, ये पी क्यू हो गई और ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, एम पे. ओके, लाइन आई कंटेन्स ई एंड एफ, तो लाइन ये जो आई है इस पे ई आ रहा है, एफ आ रहा है लेकिन डी नहीं आ रहा है. ओ पी और ओ क्यू ओ पे मीट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं. इंटरसेक्ट और मीट अलग बात होती है, ठीक है. इंटरसेक्ट मतलब होता है ये पॉइंट, ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेकिन मिल कहाँ रही है, मतलब ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इनका, वो है ये ओ पॉइंट. ओके, तो ओ पी और ओ क्यू कहाँ मीट करते हैं, ओ पे. ओके, क्योंकि ओ पॉइंट कॉमन है यहाँ, इसका मतलब दोनों ही लाइंस ओ पे मीट कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं.